स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सिलेक्शन रूल, कि सिलेक्शन किस तरीके से, किसी भी ट्रांजिशन का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या उसमें अपने को चाहिए, है ना। किस तरीके से अपन सिलेक्शन, यानी कि ये ट्रांजिशन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। कल अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने डिसाइड किया था कि ये लेवल्स होते हैं अपने पास, है ना। अपने पास सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग और आपका क्या होता है पाई स्टार और सिग्मा स्टार। इस तरीके से अपन ने एनर्जी लेवल्स डिसाइड किए थे कि ये एनर्जी लेवल होते हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर या किसी भी आपके पास अज्ञात कंपाउंड के अंदर, ये आपके पास क्या होते हैं एनर्जी लेवल होते हैं। अपन ने ये देखा था कि अपने ट्रांजिशन किस तरीके से पॉसिबल है, तो अपन ने देखा था कि सिग्मा से पाई में पॉसिबल है, सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग में भी पॉसिबल है, सिग्मा से पाई स्टार में भी है पॉसिबल और सिग्मा से सिग्मा स्टार में पॉसिबल है, है ना। ये देखो, फिर अपन ने देखा कि पाई से नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन पॉसिबल है, पाई से पाई स्टार में पॉसिबल है और पाई से सिग्मा स्टार में पॉसिबल है। नेक्स्ट था आपके कि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये अपन ने तीन ऐसे कुछ ट्रांजिशन पॉसिबिलिटीज देखी थी कि अपने पास कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब अपन इसमें सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन रूल क्या था अपना, सिलेक्शन रूल था कि अपने पास अगर जी रेट टू जी रेट जा रहा है कोई भी ट्रांजिशन तो वो क्या होगा, अलाउड नहीं होगा। और ये अनजीरेट टू अनजीरेट जा रहा था वो भी ट्रांजिशन क्या था, अलाउड नहीं था, है ना। कौन सा अलाउड था, या तो जीरेट टू अनजीरेट हो या आपका अनजीरेट टू जीरेट हो, ये दो प्रकार के ट्रांजिशन आपके क्या थे, अलाउड थे, है ना। अपन एस पी डी ऑर्बिटल्स में तो व्याख्या कर ली थी कि आपका जीरेट कौन सा होगा और अनजीरेट कौन सा होगा, बट आपके पास सिग्मा है, पाई है, सिग्मा स्टार होगा, उसमें जीरेड और अनजीरेड किस तरीके से डिसाइड करेंगे। देखो, आपका सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हमेशा जीरेड होता है, जबकि सिग्मा स्टार क्या होगा, आपका अनजीरेड होगा, ओके। उसी तरीके से आपका पाई क्या होता है, पाई अनजीरेड होता है और पाई स्टार क्या होता है, आपका जीरेड होता है, ओके। ये किस बेसिस पे होता है, आपको पाई बॉन्ड बनाना है। पाई बॉन्ड कब बनेगा आपके, जब अपन बॉन्ड कब बनेगा, मान लो आपके पास क्या है एस ऑर्बिटल है और एस ही अपना पास ये ऑर्बिटल है जी रेड, यानी कि आपके पास एस एस वालों की ओवरलैपिंग हो रही है, है ना। या आपके पास सेम फेज वालों की ओवरलैपिंग होगी, माइनस है तो माइनस वालों की होगी, ओके। तो इसमें अपने पास क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। जी रेड मतलब होता है सिमेट्री, यानी कि सममिति होती है, और अनसिमेट्री का मतलब होता है अनसिमेट्री, एसिमेट्री, एसिमेट्री, ओके। इस तरीके से होते हैं अपने पास। तो जब अपने पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो जब अपने पास पाई होगी, अगर एस ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाए तो क्या होता है, आपके पास सेम फेज वाले होते हैं जो बॉन्ड बनाएंगे, इसकी वजह से इसमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री पाई जाती है, ओके। तो इसे क्या कहा जाता है, जीरेड। इसी तरीके से अगर अपन फेस लें पी की बनाए, पी से सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इनमें भी क्या हो रहा है, आपके इस सेंटर से प्लस प्लस है और इससे माइनस माइनस है, यानी कि जो आपका पी पी ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बना है उसमें भी क्या पाई जाती है, सिमेट्री ही पाई जाती है, इसीलिए इसे जीरेड कहा जाता है। अब सिग्मा स्टार की बात आती है कि सिग्मा स्टार को अपन जीरेड अनजीरेड क्यों नहीं कहते, क्योंकि सिग्मा स्टार कब बनता है आपके, देखो जब भी आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो सेम फेज वाले एक साथ ओवरलैप करते हैं, जब आपके पास एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपके डिफरेंट फेज वाले ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे आपके पास सिग्मा स्टार कब बनेगा, जब आपके पास एस ऑर्बिटल होगा, उसकी क्या है फेज, या मान लो यहाँ इसमें एक ही प्लस फेज है और दूसरा जो एस ऑर्बिटल आएगा वो माइनस फेज का आएगा, है ना। तो माइनस फेज का आएगा तो इनकी ओवरलैपिंग होगी, जो आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, यानी कि ओवरलैपिंग हो रही है इनमें, सिग्मा स्टार बॉन्ड बनेगा। अगर आपके
डिफरेंट प्रकार के फेज वाले ओवरलैपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है एंटी बॉन्डिंग के करेक्टर आते हैं। तो इसमें क्या होगा सिग्मा स्टार का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से पी में देखा जाए तो पी में क्या होगा आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा माइनस चार्ज रहेगा और जबकि यहाँ प्लस चार्ज रहेगा। इनमें ओवरलैपिंग होगी तो वो किस कैसे होगी सिग्मा स्टार क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हो रही है आपके पास। इसी तरीके से पाई का देखो पाई में क्या होगा आपके अगर पाई बॉन्ड में की ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है आपके पी पी तो करेगा कौन सा करेगा आपके पी एक्स पी एक्स या कैसे भी कर सकते हैं जो आपके इस तरीके से अगर बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे करके दो इस तरीके से अगर इनमें ओवरलैपिंग हो रही है तब अपन क्या बोलते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आपके प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है माइनस यहाँ इनकी ओवरलैपिंग हो रही है ओवरलैपिंग करवा दो कैसे होगी ये है ओवरलैपिंग यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ना। अगर इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री देखी जाए अगर यहाँ से सिमेट्री देखें तो यहाँ प्लस मिलता है आपको और यहाँ माइनस मिलेगा है ना। यहाँ से देख सकते हो प्लस मिल रहा है और यहाँ से माइनस मिल रहा है इसीलिए इसमें क्या है सिमेट्री पाई मिल जाती है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है एनजीरेड कहा जाता है एनजीरेड कहा जाता है ओके। और अगर पाई स्टार की बात करें पाई स्टार में क्या होगा फेस ही चेंज हो जाएगी है ना ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखी जा सकती है आपके देख से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री किस तरीके से देखी जा सकती है आपके इस तरीके से है ये प्लस की फेज हो गई तो ये माइनस की हो गई ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग करवा रहे हैं कि अपने पास एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन गया तो उसके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी तो फेज भी चेंज होगी। यहाँ से सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें तो प्लस इधर है प्लस ही इधर है माइनस इधर है तो माइनस ही इधर है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट सी ओ एस प्रेजेंट यानी कि सिमेट्री आपकी क्या है प्रेजेंट है तो इसीलिए इसे कहा क्या कहा गया है जीरेड कहा गया है ओके। तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से अपन ने क्या करवाया कि सिग्मा को अपन जीरेड बोलते हैं सिग्मा स्टार को अनजीरेड कहते हैं पाई को अपन क्या बोलते हैं अनजीरेड कहते हैं और पाई स्टार को अपन जीरेड कहते हैं ओके। तो अपने पास जो लेवल्स थे अपन ने लेवल डिसाइड किए थे कि इतनी आपकी पॉसिबिलिटीज है उनमें से कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं आपके जैसे ये थे सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अगर अपन सिग्मा टू सिग्मा स्टार करते हैं यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार करते हैं तो अपना सिग्मा क्या था जीरेड था तो ये लो इसके नीचे जीरेड लिख दिया और सिग्मा स्टार क्या था अनजीरेड है तो ये अनजीरेड हो गया। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि आपके जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो जीरेड टू अनजीरेड होना चाहिए या अनजीरेड टू जीरेड होना चाहिए वही ट्रांजिशन आपका क्या होगा पॉसिबल होगा अदरवाइज नहीं होगा आपका। अगर कोई ट्रांजिशन जीरेड टू जीरेड हो रहा है तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा ओके। इसी तरीके से अपन सिग्मा टू पाई स्टार में चलते हैं सिग्मा क्या है सिग्मा अपना क्या है जीरेड और पाई स्टार क्या है आपका जीरेड तो पाई स्टार क्या हो गया ये जीरेड हो गया तो ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल नहीं है पॉसिबल यानी होगा ही नहीं ये ट्रांजिशन ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार में जाए वो नहीं जाएगा तो ये अपना ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है तो दिखेंगे भी नहीं अपना ना तो ये पॉसिबल नहीं है अपना। नेक्स्ट था अपने पास पाई टू नॉन बॉन्डिंग तो पाई हो गया अपना जीरेड और ये नॉन बॉन्डिंग होता है अनजीरेड ही कहता है ओके। तो ये हो गया आपका अनजीरेड तो ये ट्रांजिशन आपका क्या होता है पॉसिबल होता है ओके। तो ये पॉसिबिलिटीज है ये पॉसिबिलिटी अब बात आती है पाई टू नॉन बॉन्डिंग या पाई टू पाई पाई टू सिग्मा स्टार में देखते हैं पहले पाई टू अब पाई क्या अपना जीरेड अनजीरेड और सिग्मा स्टार क्या आपका एनजीरेड तो ये
पॉसिबल नहीं होगा। नॉन बॉन्डिंग क्या है आपका? एनजीरेड। और यहां क्या है? ये जीरेड। और ये पाई स्टार क्या हो गया? जीरेड हो गया। ओके, यही अपन डिसाइड कर लेते हैं लेवल्स। तो ये अपना पॉसिबल नहीं है पाई टू पाई सिग्मा स्टार। नेक्स्ट है पाई टू पाई स्टार, एनजीरेड टू जीरेड, ये पॉसिबल है। ओके, फिर कौन सा है? पाई टू नॉन बॉन्डिंग, ये क्या है? एनजीरेड टू एनजीरेड, ये भी आपका क्या है? पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट का कौन सा था? पाई टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये आपका क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि कौन सा है? एनजीरेड टू जीरेड है। जबकि आपके पाई टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनजीरेड टू एनजीरेड हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास कितने सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? चार पॉसिबल है। चार ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन कौन से हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नेक्स्ट है आपका सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग, फिर कौन सा है आपका? पाई टू पाई स्टार, और फिर है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ओके, ये चार ट्रांजिशन होते हैं, वो पॉसिबल होते हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर। अपने पास अगर कोई भी अननोन कंपाउंड दिया जाए, फिर उसमें से पूछा जाए कि कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो अपने पास ये ट्रांजिशन पॉसिबल, इनकी इन ट्रांजिशनों की पॉसिबिलिटीज होती है, यानी कि ये अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन। अब आपके पास अगर कोई एक स्पीसीज ली जाए, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर अगर अपने को ट्रांजिशन पूछा जाए तो कितने प्रकार के होंगे? एक होगा इसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नेक्स्ट होगा आपका पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, ये दो ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। एग्जाम में पूछा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ये दो ट्रांजिशन पॉसिबिलिटीज होती है कि ये ट्रांजिशन आपके होंगे होंगे, अलाउड ट्रांजिशन यही है। ओके, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगर आपको इसमें सी एस थ्री और इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो इसके अंदर कितने प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल है? एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नेक्स्ट हो गया सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि आपके पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो नॉन बॉन्डिंग होंगे, तो सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार नहीं होगा, पाई टू पाई स्टार भी नहीं होगा, तो इसमें ये दो प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। ओके, तो इस तरीके से किसी भी स्पीसीज के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई भी ट्रांजिशन देखा जाता है, इजीली अपन बता सकते हैं कि इतने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इन चार ट्रांजिशन की व्याख्या करनी होगी। अदरवाइज आपको पहले तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो दिखाने होगी, फिर जो मेन ट्रांजिशन होते हैं वो चार प्रकार के ये होते हैं, फिर इनको सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, सेट करना होगा कि ये ट्रांजिशन अपने पास पॉसिबल होते हैं, इनमें चारों ट्रांजिशन पॉसिबल है, इन चारों ट्रांजिशन की आपको व्याख्या करनी होगी। जैसे किस तरीके में पाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कैसा होता है, ये ट्रांजिशन आपके जितने भी सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर, जब कोई पाई सॉरी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले सिग्मा स्टार में जाता है, क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो सिग्मा स्टार में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार कहा जाता, ट्रांजिशन कहा जाता है। और अगर इनके एग्जांपल देखे जाए तो एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स होते हैं जिनमें जितने भी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? आपकी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। ओके, तो ये ट्रांजिशन की व्याख्या होगी। अब अपन देखेंगे इनमें एनर्जी गैप किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो एनर्जी गैप देखेंगे अपन, एनर्जी गैप में देखेंगे कि किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो अपना जो ये होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार का, तो एनर्जी सब गैप सबसे ज़्यादा होगा, है ना? तो एनर्जी गैप
सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाले का सबसे ज्यादा होगा जेड, फिर कौन सा होगा अपने पास, सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग का होगा, सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग का होगा, फिर होगा जो अपना एनर्जी गैप सबसे ज्यादा वो होगा पाई टू पाई स्टार वाला, पाई टू पाई स्टार वाला, और फिर जो गैप होगा अपना नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ये आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑर्डर मोस्टली पूछा जाता है कि एनर्जी गैप का ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा किसका गैप होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में सबसे ज्यादा गैप होता है, फिर होता है सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग में होता है, फिर आपके पाई टू पाई स्टार में होता है, फिर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार का होता है, ये होता है एनर्जी गैप आपका। अपन ने देख लिया संक्रमण कितने प्रकार के, चार प्रकार के संक्रमण होते हैं, इनकी व्याख्या कर ली उनके अपने पास, अपन ने इसके सिलेक्शन रूल्स भी पढ़ लिए। अब अपन कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले, यानी कि ग्राफ किस तरीके से आता है वो देखने से पहले अपन कुछ टर्म्स देखेंगे, यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कुछ शब्द होते हैं उनकी व्याख्या करेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि आपके ऑप्सोग्राम क्या होता है ना, बेंथोग्राम क्या होता है, हाइपोग्राम हाइपरग्राम है ना, वो वर्ड देखेंगे कि होते क्या है, किस तरीके से इनकी व्याख्या की जाती है। ओके, तरीके से शिफ्ट होगा जब किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपन डायग्राम देखते हैं, यानी कि अपन उसकी पीक देखते हैं कि किस तरीके से, मान लो कोई आपके पास किस तरीके से पीक ली जाती है, सैंपल लेते हैं कोई क्यूबेट में, अपन कोई सैंपल लेते हैं किसी भी सैंपल की व्याख्या करने के, यानी कि किसी भी अज्ञात पदार्थ की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए या उसमें ट्रांजिशन देखने के लिए पहले सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को किस में रखा जाता है, अपन यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखने के बाद में उसमें क्या होता है कि रेडिएशन डाली जाती है। रेडिएशन कौन सी होती है आपके 200 से 800 एनएम के बीच की रेंज रखी जाती है, वो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो यू ही रेडिएशन होती है उसके अंदर, इस रेंज की रेडिएशन डालते हैं, रेंज डालने के बाद में उसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, डिटेक्टर पर रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड होता है ग्राफ आपका इस तरीके से, आप ऐसे इस तरीके से कोई ग्राफ रिकॉर्ड होगा, उस ग्राफ की ही अपन क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं यूवी स्पेक्ट्रो, यानी कि अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग प्रकार के ही आगे क्या होते हैं, ग्राफ प्राप्त होते हैं, इन ग्राफ्स को देखकर अपन डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है या किस तरीके के ट्रांजिशन पॉसिबल, कितना वो शिफ्ट हुआ है, कितना वो बैक आया है, यानी कि कौन सा उसमें ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। ओके, तो केवल ऐसे ग्राफ के आधार पर ही अपन उसकी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर की इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ओके, तो इससे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, देखो क्रोमोफोर क्या होता है अपने पास, क्रोमो मतलब होता है कलर, जैसे क्रोमोसोम पढ़ते अपन बायोलॉजी के अंदर देख लें, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोस से अपन ले रहे थे कि कोई कलर होगा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, क्रोमो का मतलब होता है कोई कलर यानी कि रंग, और फोर का मतलब होता है कि धारण करना। ओके, धारण करना या ग्रहण करना, यानी कि जब किसी भी स्पीसीज के अंदर कोई ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि जो यूवी दर्श यूवी किरणें एब्जॉर्ब करके हाई यानी कि
लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जब वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहले क्या करेगा, यूवी एब्जॉर्ब करेगा, ये ऑब्जॉर्ब करने के बाद में वापस क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, है ना। जब वो लोअर यानी कि हाई एनर्जी स्टेट में जाने के बाद में वापस क्या आएगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में उसमें क्या होगा कि वो ट्रांसमिट करेगा यानी कि उत्सर्जित करेगा प्रकाश यानी कि पराबैंगनी किरणों को, तब क्या होगा कलर दिखाई देता है किसी भी स्पीसीज के अंदर की रंग क्यों आता है उसका, यानी कि इनमें खुद का कोई कलर होता है वो अपने को दिखाई देता है। इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं कि उनकी वजह से ही कलर आता है, तो फर्स्ट है आपका पाई टू पाई स्टार और नेक्स्ट है आपका सिग्मा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इन ट्रांजिशंस की वजह से क्या होता है, कलर शो होता है किसी भी स्पीसीज के अंदर की, इन्हीं के कारण पाई नॉन बॉन्डिंग टू पाई, ओके पाई स्टार। तो इनमें इन्हीं की वजह से क्या होता है, कलर प्राप्त होता है। रंग धारण करने वाला यानी कोई स्पीसीज होगी उसका कलर होगा, कलर होने के बाद में क्या होगा, जिनमें अगर पाई टू पाई ट्रांजिशन हो रहा है तो अपन देख रहे थे कि क्रोमोफोर क्या होता है कि अगर किसी के अंदर कोई स्पीसीज होगी कलर होगा खुद का, वो उसका कलर के इंटेंस यानी कि कलर अपना शो करेगा, जब कोई प्रकाश को ग्रहण करेगा करने के बाद में उसमें क्या होगा कलर शो होता है, उसे अपन कहते हैं क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है कि इनका खुद का तो कोई कलर होता नहीं है, ओके इनका खुद का कलर नहीं होता है, लेकिन अगर ये किसी क्रोमोफोर के साथ मिल जाए, क्रोमोफोर के साथ मिल जाए तो उनके अंदर क्या होता है कि कलर शो होता है। जैसे कि अपने पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन हो रहा है किसी के अंदर तो कलर शो नहीं। देखो क्रोमोफोर मोस्टली वो आप स्पीसीज होती है जिनके अंदर यानी कि ये देखो इसमें पता चल रहा है कि अगर पाई बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर तो वो क्रोमोफोर होते हैं, यानी कि कलर्ड होते हैं, वो उनका कोई ना कोई कलर होता है। जबकि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं कि इनका खुद का तो कोई कलर होता नहीं है, अगर इनका खुद का कोई कलर नहीं होता है तो वो क्या होता है क्रोमोफोर के साथ मिल जाते हैं तो उसके कलर की क्षमता इनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे कोई लाइट कलर है उसे गहरा कर देते हैं ये, इसे कहा जाता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम में मोस्टली ट्रांजिशन तो होता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, कभी कभी आपके सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी पाया जाता है, ओके मोस्टली आपके नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ही ट्रांजिशन पाया जाता है। जैसे कि आपके पास OH ग्रुप है, OH के बाद क्या पास क्या है लोन पेयर है, तो वो किस में जाएंगे सिग्मा स्टार में जाएंगे। अगर ऐसा कोई ग्रुप है वो किसी क्रोमोफोर के साथ मिल जाए है ना तो उसकी कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसे कहा जाता है ऑक्सोक्रोम। ओके दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसे क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं, समझाइए ये होगा। तो क्रोमोफोर को आपको बताना है कि इनका खुद का कोई कलर होता है, जब यूवी की यानी कि यूवी क्षेत्र के अंदर आते हैं तो इनकी कलर शो करते हैं, जबकि ऑक्सोक्रोम क्या होता है कि इनका खुद का कोई कलर होता नहीं है लेकिन ये किसी क्रोमोफोर के साथ ऐड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं तब ये क्या करते हैं कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं कि इनमें ट्रांजिशन कैसा होता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है, ओके ये है आपके क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन हाइपरक्रोम या रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट किसे कहते हैं, ओके थैंक यू।